रात को ही कट गया। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो फाइनली दोस्तों, आज हमें टाइम मिल चुका है अपना ब्लॉग वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ गेहूँ की कटिया चालू हो गई है। तो इस समय हम गेहूँ कटवा रहे हैं, इसी के लिए हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि हम घर इस समय अकेले हैं, यानी कि हम हैं, हमारे पापा हैं, तो गेहूँ कटाने के लिए हमें जाना पड़ता है, क्योंकि भैया है नहीं, इसी के लिए हम बजे हुए थे, हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी। क्योंकि इस समय गेहूँ कट रहा है, उसके साथ साथ भूसा भी गिर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ जानवर हैं, यानी कि भैंस है, तो भैंस के लिए भूसा भी गिर रहा है, इसी के लिए हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन आज हम चलेंगे गेहूं कटवाने के लिए। अभी अच्छी तरह से गेहूं हुआ नहीं है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में सब हर कोई कटवा रहा है गेहूं, क्योंकि इस समय गेहूं ना कटवाएंगे तो अगर जो कहीं किसी का बच जाएगा, बाद में आग वोग लगने की वजह से उनका नुकसान हो जाएगा। इसी के लिए जिनका भी अभी हरा है, थोड़ा बहुत हरा है, वो भी कटवा लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आग लगने वाली। तो आज के ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। तो हम चलते हैं अभी थोड़े देर बाद खेत में, तो हम आपको मिलते हैं खेत में। सो फाइनली दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं दवा आने के लिए, क्योंकि हमारी तबीयत पहले खराब थी, तो अभी थोड़ा देर और दवा चलेगा, तो हम चलते हैं पहले दवा आने के लिए। हमारे साथ है दमोदर, उसके बाद है प्रियांशु, और इसी के खेत में जो पीछे वाला खेत है, यही गेहूँ हमारा भी है, वहीं कटेगा। जिस खेत से हम बरसीन ले जाते थे, उसी खेत में हमारा भी गेहूँ है, तो वहाँ कटेगा। तो अभी हम दवा लेके वापस आएंगे, उसके बाद हम चलेंगे खेत कटाने के लिए, तब आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कंपाइन कैसे चल रही है। दोस्तों अभी दवा लेकर हम आ चुके हैं खेत में। जिस खेत में हमारा बरसीन बोया था, उसी खेत में हमारा गेहूं भी है, थोड़ा बहुत है, लगभग में 1.5 बीघे के आसपास में। तो अभी कंपाइन पीछे चल रही वहाँ, क्योंकि दूसरे के खेत में है, थोड़ा देर बाद अभी आएगी, क्योंकि उस साइड से कंपाइन लगी। अगर जो इस साइड से लगी होती तो हमारा खेत पहले कटता, अब उस साइड से लगी है, थोड़ा लेट कटेगा, तो टाइम लग सकता है। इस समय बज रहा है 6 के आसपास में, तो हो सके रात भी हो सकता है, क्योंकि लेट कटेगा, लगभग में 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, तो रात हो सकेगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, तो हम देखते हैं कब तक आएगी कंपाइन। तो हमारा खेत यही है, इस साइड बरसीन बोया गया था, और इस साइड था लहसुन, उस साइड लाही था, बाकी ये जो सामने है यहाँ गेहूं है, लगभग में 1.5 बीघे के आसपास में। तो कंपाइन अभी वहाँ चल रही है, देख सकते हो काफी दूर है यहाँ से, लगभग में 1.5 घंटा लग सकता है, अगर जो इस साइड से लगी होती तो पहले कट गया होता। तो हमें लगता है कि रात हो जाएगी, तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, हम प्रयास करेंगे जहाँ तक कि आपको दिखा दें। लेकिन अभी तो कंपाइन लेट आएगा, 1 से 1.5 घंटा के आसपास में आएगा, तब तक के लिए हम वीडियो को करते हैं एंड। कंपाइन आ जाए, खेत में लग जाए, उसके बाद हम वीडियो को करते हैं शूट। फाइनली दोस्तों, हमारा गेहूं रात को ही कट गया था, क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए हम वीडियो नहीं शूट कर पाए थे, थोड़ा बहुत वीडियो शूट किए थे क्योंकि रात हुआ था। तो हमारा जो गेहूं कट कर आया, वो आया स्कूल का ये जो फील्ड है, फील्ड में आया, क्योंकि अभी स्कूल का गेट लगा नहीं है, तो यहाँ फील्ड में गेहूँ गिर जाता है। यहाँ से हम लोग साइकिल से ढोकर, हम थे विवेक था, किशन था, 3-4 लोग थे, साइकिल से ढोकर घर ले जाकर रख दिए है। तो अभी हम आए हैं स्कूल पर, हमारे साथ है ये जो है प्रियांशु, अभी प्रियांशु हमारे साथ में है। तो हम वीडियो को एंड नहीं कर पाए थे, तो हमने सोचा क्यों ना इस टाइम वीडियो को शूट किया जाए, वीडियो को एंड किया जाए। सो दोस्तों, वीडियो को एंड करना चाहते हैं, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम रील को बनाना है, और लगभग में बज रहा है 12 के आसपास में, और हमारा भूसा भी गिर रहा है, यानी कि हमारे घर है भैंस,
तो भैंस के लिए अभी भूसा गिर रहा है, तो इस समय अभी काम में थोड़ा बझे हुए हैं, तो वीडियो को एंड करना चाहते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर देना, क्योंकि आने वाले समय में आपको और अच्छी अच्छी वीडियो दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।